नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। गीता में अर्जुन महाभारत की लड़ाई के समय भगवान श्री कृष्ण से ये पूछता है कि सत्य और असत्य क्या है, सत्य और असत्य में भेद क्या है, फर्क क्या है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो समझाते हैं सत्य और असत्य के बारे में, वही मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर सत्य को ठीक से जानना है तो पहले असत्य को जान लेना जरूरी है। अगर आप असत्य को जान लेंगे तो सत्य को जानना बहुत आसान हो जाएगा। असत्य सत्य का ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। उदाहरण के तौर पे, जब आप किसी नदी के किनारे अपना प्रतिबिंब देखते हैं पानी में, अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं पानी में, तो आपका रिफ्लेक्शन भी उतना ही रियल लगता है जितना कि आपका होना है। पर आपका रिफ्लेक्शन, आपका प्रतिबिंब हकीकत नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य आपका होना है। क्योंकि पानी में जो आपका प्रतिबिंब है वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, पानी बहते रहता है, पानी में कंपन होता है, तो जो प्रतिबिंब है वो परमानेंट नहीं है। पर क्योंकि हमारी आंखें इतनी झुकी हुई है कि हमें वास्तविक जीवन में जो प्रतिबिंब है, जो सच का रिफ्लेक्शन है, जो सत्य का रिफ्लेक्शन है, उसे ही हम सत्य मान लेते हैं, जबकि वो असत्य होता है। इस बारे में थोड़ी और डिटेल में चर्चा करते हैं। अभी आप जाग रहे हो, आपको सोने का मन हो गया, नींद आ गई। नींद में आप एक बहुत ही खूबसूरत सपना देख रहे हो या भयानक सपना देख रहे हो। तो नींद में जब आप अच्छा स्वप्न देख रहे हो तब आपके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, आपको लगता है कि ये स्वप्न नहीं है, हकीकत है, ये स्वप्न नहीं है, ये हकीकत है, आपको लगता है, तभी आपके चेहरे के ऊपर भी मुस्कान आ जाती है। या फिर स्वप्न में कोई आप डरावनी घटना को देखते हो तो आपका हृदय कांप उठता है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि आपको वो सपना सत्य लगता है। और जैसे ही आपकी नींद टूट जाती है तो वो सपना आपको लगता है कि मैं जो जिस सपने को मैं सत्य मान रहा था वो स्वप्न सत्य नहीं था, बल्कि एक असत्य घटना थी, एक प्रतिबिंब था सत्य का। उस प्रतिबिंब को आपने कुछ पल के लिए सत्य समझ लिया था। जो चीज पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं हो सकती, स्वप्न आपके सोने के पहले भी नहीं था और आपके जागने के बाद में भी नहीं रहता। जो बीच वाली स्थिति होती है, जो पहले भी नहीं था, आपके सोने के पहले भी स्वप्न नहीं था और आपके जागने के बाद में भी वो स्वप्न हकीकत नहीं रहता, जो बीच में था जब आप सो रहे थे तब वो आपको सत्य लग रहा था, ऐसी ही घटना को असत्य कहा जा सकता है। जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं होता और जो बीच की स्थिति में होता है, उसे ही असत्य कहा जाता है। असत्य को ऐसे ही पहचाना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण देता हूं मैं सत्य का आपको, कि जिसे हम जीवन मान रहे हैं, ये थोड़ा आध्यात्मिक उदाहरण हो जाएगा, कि जिसे हम जागना कह रहे हैं, स्वप्न से आप जाग गए, आप जागने को जागना को जागना को सत्य कह रहे हैं, आप जिसे आप जागना कह रहे हैं वह भी असत्य है। स्वप्न से आप जागे और जागने से भी जो जाग जाता है उसे जागना भी असत्य लगता है। जैसे मैं परेश, मेरे जन्म के पहले मैं परेश नहीं था, मेरा ये शरीर नहीं था, अब है, 40 वर्ष का हो गया हूं तो 40 वर्ष मैं हूं, और जब मर जाऊंगा, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब भी परेश नहीं रहेगा, मेरा ये शरीर नहीं रहेगा। परेश पहले भी नहीं था, ये शरीर पहले भी नहीं था, जन्म के पहले भी नहीं था और मृत्यु के बाद में भी नहीं रहेगा। तो मेरा ये जीवन जो है ये 40 वर्षों का, ये भी एक असत्य ही है। आध्यात्मिक भाषा में ये भी एक असत्य ही है। मेरा जीवन कंप्लीट
झूठ है। ये भी एक स्वप्न है, स्वप्न की भांति ही हम इसे भी असत्य ही कहेंगे। कबीर ने तो कहा है कि जीवन असत्य है, जीवन एक स्वप्न है। सत्य क्या है फिर? सत्य आत्मा है, चेतना है, जो मेरे परेश और शरीर के होने के पहले भी थी। आत्मा मेरे शरीर के होने के पहले भी थी, जब मैं परेश हूं तब भी आत्मा मेरे साथ है, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब भी आत्मा रहेगी। जो तीनों कंडीशंस में है, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, तीनों काल में है, वही सत्य है। जो भूतकाल में नहीं था, वर्तमान में आपको लगता है कि है पर वो होता नहीं, और जो भविष्य में हो ही नहीं सकता, वो असत्य है। सत्य और असत्य को जानने का एक ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे कि एक खाली जगह है, वहां पे आपने चार दीवारें खड़ी कर दी, मकान बना लिया, घर बना लिया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अंग्रेजी में हम मकान को रूम कहते हैं। रूम का मतलब ये होता है कि खाली जगह। रूम का वास्तविक मतलब ये होता है कि खाली जगह। रूम का मतलब इतना ही होता है। तो खाली जगह पहले भी थी, आपने चार दीवारी बना दी और आपने उसे मकान समझ लिया, लेकिन मकान के जो भीतर खाली जगह है, एक्चुअल में मकान वो है, रूम वो है। रूम का अर्थ ही जो होता है वह खाली जगह। और ये चारों दीवारें अगर आप तोड़ भी देंगे तब भी वो खाली जगह होगी। खाली जगह मकान बनाने के पहले भी थी, मकान बनाने के बाद भी रूम के अंदर खाली जगह है। उसमें आप कितना भी सामान भर दो, कितनी भी कुर्सी टेबल सोफा लाके भर दो, तब भी वो खाली जगह कभी खत्म नहीं हो सकती, वो खाली जगह है। और रूम को तोड़ दीजिए, आप चारों दीवार को तोड़ दीजिए, कुर्सी टेबल मकान डाइनिंग टेबल सब बाहर निकाल दीजिए उस मकान से, तब भी खाली जगह उसमें रहेगी। तो खाली जगह सत्य है, पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी। अक्सर हकीकत में अगर इसे ऐसा कहना है तो ये भी गलत नहीं होगा कि जो सत्य है, सत्य के बाद में है लगाना भी एक तरह की बेईमानी है। असत्य के बाद है लगाया जा सकता है और असत्य के बाद ही है लगता है। उदाहरण के तौर पे, पेड़ है, फूल है, फूल से खुशबू मिलती है, हम है, पर अगर पेड़ मर गया, फूल टूट के गिर गया, तो है नहीं है, असत्य है। पेड़ का होना ही असत्य है, क्योंकि पहले भी वहां कुछ नहीं था, वो खाली जगह ही थी, खालीपन था वहां पे। उस खालीपन में एक पेड़ होगा, तो आपने उसे है कहा, वो फिर नष्ट हो गया। मतलब जो पहले नहीं था अब है और फिर नष्ट हो गया, तो वो असत्य है, पेड़ असत्य है। वहां पे दूसरी कोई घटना घटनी फूल की, वो भी असत्य है। पहले फूल नहीं था अब है, फिर नहीं है, फूल का होना भी असत्य है, हमारे जीवन का होना भी असत्य है। इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। हमें जो भी चीज लगती है पहले नहीं थी और बाद में नहीं रहेगी, वो असत्य ही है। भगवान का होना अगर हम कहें कि परमात्मा है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। परमात्मा का होना ही है, उसके आगे है शब्द लगाने की जरूरत भी नहीं है। परमात्मा का मतलब ही है जो पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा, तो उसके आगे है शब्द का लगाना भी गलत हो जाएगा। बुद्ध भगवान ने अपने पूरे जीवन काल में परमात्मा है इस शब्द का इस्तेमाल पूरे जीवन काल में नहीं किया है। उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ ही है कि वो तो है, अनंत काल तक रहेगा, उससे बड़ा यथार्थ सच सत्य दुनिया में कोई नहीं है। एक छोटी सी कोशिश की है आपको फिर इस थोड़े से कॉन्वर्सेशन से कि सत्य और असत्य में क्या फर्क है, सत्य और असत्य को कैसे पहचाना जा सकता है। आध्यात्मिक होके भी और रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर छोटी छोटी बातों के ऊपर आप विचार करें कि जो नहीं था आज है और जो नहीं रहेगा वो असत्य है,
जो पहले भी था, आज भी है और सदैव रहेगा, वो सत्य है। अगली बार ऐसे ही कुछ खास इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं फिर एक बार आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।